Hello everyone, we are going to start a very fresh chapter, surface chemistry. So क्या क्या पढ़ना है इसमें हम लोगों को? Let's see outline of the chapter. Number one पढ़ना है adsorption process के बारे में. Adsorption process. Second part पढ़ना हम लोगों को different कैटेलिटिक प्रोसेस. एंड थर्ड अबाउट कोलाइडल सिस्टम या कोलाइड्स के बारे में. इन तीनों टॉपिक की डिटेल स्टडी करनी है इन सरफेस केमिस्ट्री. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो अराइज होता है कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, राइट? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? ओके, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सो इसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि फेनोमेना जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पे होते हैं या इंटरफेस पे होते हैं या यू कैन से बाउंड्री पे होते हैं. ठीक है, तो वी कैन डिफाइन सरफेस केमिस्ट्री लाइक दिस. केमिकल प्रोसेस, क्योंकि हम बेसिकली केवल केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ केमिकल प्रोसेस. यू कैन से केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस बेटर है. केमिकल प्रोसेस दैट अकर, केमिकल प्रोसेस दैट अकर एट इंटरफेस, राइट? इंटरफेस इसको हम बच्चों बोल सकते हैं बाउंड्री. उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस केमिस्ट्री इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री सरफेस जो प्रोसेस है इसको ऐसे बोल सकते हैं, तब किसी सब्सटेंस के सरफेस पे जो भी रिएक्शंस होती हैं, और ये रिएक्शन को आप डेली लाइफ में देखते भी हैं. जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा है क्लास टेंथ में, कोरोजन में आपको याद हो कोरोजन ऑफ आयरन जिसे आप लोग रस्टिंग बोलते हो, राइट? तो कोरोजन ऑफ आयरन क्या है? इट इज अ सरफेस रिएक्शन. ठीक है, ये क्या है आपका? सरफेस रिएक्शन. बेसिकली जो आयरन का सरफेस है, सपोज दिस इज आयरन है, तो जो सराउंडिंग में जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर जो होते हैं एंड जो एयर होती है, वो क्या करते हैं? आयरन के सरफेस को कोरोड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देते हैं. ठीक है, दिस इज आयरन. इस तरीके से आपने आपने पढ़ा है कोरोजन ऑफ कॉपर. याद करो जो कॉपर होता है, दिस इज कॉपर, इसके सरफेस पे बेसिक कार्बोनेट CaCO3.CuOH का होल ट्वाइस, राइट? इस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है इसके सरफेस में, और जो कॉपर का जो ब्रॉन्जे कलर होता है वो डैमेज हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? सरफेस पे, करेक्ट? एंड डेली लाइफ में आप ये भी देखते हैं कि क्लोथ्स में डर्ट का आ जाना भी एक सरफेस रिएक्शन है. सरफेस मतलब एडजॉर्ब हो जाती है क्लोथ्स में डर्ट, तो उसके सरफेस में एडजॉर्ब होती है फैब्रिक प्लस डर्ट. तो ये सब सरफेस फिनोमेना के एग्जांपल हैं जो कि हमें
हम डेली लाइफ में फील करते हैं, हम देखते भी हैं। सो पहले देर आर सम बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड दी चैप्टर। बेसिक टर्म हमको सीखने हैं और वो बेसिक टर्म क्या है, नंबर वन एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, व्हाट इज एडजॉर्प्शन। सो एडजॉर्प्शन को समझने के लिए, सपोज अगेन दिस इज द सॉलिड सरफेस, ठीक है, ये सॉलिड सरफेस सॉलिड है, सॉरी दिस इज अ सॉलिड, और ये जो है सारा ये क्या इसका सरफेस है, ठीक है, एंड ये सॉलिड का इंटीरियर पार्ट है। अब इस सॉलिड में क्या हो रहा है कि कुछ पार्टिकल्स, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, मान लो सराउंडिंग के गैसेस पार्टिकल्स हैं, वो आके इसके सरफेस में इस तरीके से बैठ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, चिपक गए हैं, या यूँ कह सकते कि एक्युमुलेट हो गए हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से पार्टिकल्स जो हैं वो दे आर स्टिक एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से पार्टिकल्स का, जनरली ये गैसेस पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से पार्टिकल्स का किसी सब्सटेंस के सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाना या चिपक जाना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो इफ यू वांट टू राइट इट, तो आप इस तरह लिख सकते हो, द एक्युमुलेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स, द एक्युमुलेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, यू कैन से सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ओके, एक्युमुलेट हो जाना, एसिमिलेट हो जाना, या यू कैन से अट्रैक्ट हो जाना, राइट, इस तरीके से इन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड आर कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब ध्यान देना जरा, जो सॉलिड है यहाँ पे बच्चों, जो सॉलिड है जिस पर गैस के पार्टिकल एक्युमुलेट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इसको, एडजॉर्बेंट। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स उस पे एक्युमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम नेक्स्ट वर्ड सीख रहे हैं एडजॉर्बेंट। तो इसमें मुझे डिफाइन करना है तो मैं ये कहूँगा कि द सरफेस एट विच पार्टिकल्स गेट एक्युमुलेटेड या अट्रैक्टेड इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, एंड द पार्टिकल्स विच गेट्स एडजॉर्ब्ड आर कॉल्ड एडजॉर्बेट। तो नेक्स्ट इसको मैं लिखता हूँ कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या है। एडजॉर्बेंट, ठीक है, तो एडजॉर्बेंट आपका क्या है, द सरफेस, द सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, द सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये क्या होता है, सरफेस होता है जहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, और बहुत सारे एडजॉर्बेंट का आप नाम भी शायद सुना होगा आपने, जैसे कि बहुत ही कॉमन जो एडजॉर्बेंट है नेचुरल वो है चारकोल,
बेटर है इसको आप बोले एक्टिवेटेड चारकोल, एंड दे आर वेरी कॉमन एडजॉर्बेंट. नेक्स्ट है सिलिका जेल, एलुमिना. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एब्जॉर्बेंट हैं. ठीक है, वैसे भी जैसे मैं ये व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ तो ये हमारा एडजॉर्बेंट हो गया, और इसमें जो इंक है वो एडजॉर्बेट हो गई क्योंकि इसमें इंक जो है वो स्पीक हो रही है. करेक्ट. एंड ये दूसरा टर्मिनोलॉजी था. तीसरा, एडजॉर्बेट क्या होता है? एडजॉर्बेट, तो एडजॉर्बेट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होते हैं. ठीक है, द सब्सटेंस, वी कैन डिफाइन इट, द सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड. एडजॉर्ब्ड, ठीक है, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होते हैं उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट. और जिस पर ये होता है, जिस सब्सटेंस पे ये आर गेटिंग एडजॉर्ब, उस सब्सटेंस को नाम बोलते हैं एडजॉर्बेट. करेक्ट. एक बात और याद रखना बच्चों कि दिस इज एडजॉर्बेंट एंड ये पार्टिकल जो है एडजॉर्बेट है. तो एक टर्म होता है एक्स बाई एम. एक्स बाई एम को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन. नेम सजेस्ट कर रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्बेंट के रिस्पेक्ट में कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हुआ है. तो दिस इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट एंड दिस इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट. करेक्ट. सो इसमें फोर्थ बेसिक टर्म बोल सकता हूं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बच्चों, एंड इसमें आपको चीज़ें बहुत याद करनी है, बट समझ में सारा आपको आ जाएगा. डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. सो इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ. अगेन ये सब्सटेंस है, यानी कि ये एडजॉर्बेंट है. ये इसका इंटीरियर पार्ट है. अब अगर पार्टिकल जो है इसके सरफेस में इस तरीके से आते हैं, ठीक है, अगर पार्टिकल्स के सरफेस में इस तरीके से आ जाते हैं तो ये फिनोमेना हमारा क्या है? एडजॉर्प्शन. क्या है ये आपका? एडजॉर्प्शन. एंड अगर जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस में भी आते हैं इस तरीके से और इंटीरियर ऑफ द सरफेस भी जाते हैं इस तरीके से, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. यानी कि एक वर्ड बोल सकते हो कि ये एक तरीके से, मतलब एक तरीके से क्या, सरफेस फिनोमेना है और ये आपका बल्क फिनोमेना है, यानी कि पूरे इंटीरियर में पार्टिकल जो है वो एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब होते हैं. करेक्ट. सो आई वुड से इट इज अ बल्क फिनोमेना. बल्क फिनोमेना एंड इट इज अ सरफेस फिनोमेना. ओके, बल्क फिनोमेना होता है और ये सरफेस फिनोमेना होता है. नेक्स्ट
जो इसमें डिफरेंस है जो आपका एडजॉर्प्शन है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, राइट। एंथैल्पी चेंज क्या है इसमें? नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, करेक्ट। और जो एडजॉर्प्शन है इसमें जो एंथैल्पी चेंज है ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट इन डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। थर्ड जो थर्ड है, एडजॉर्प्शन जनरली जो है वो लो टेम्परेचर फास्ट होता है। अगर लो टेम्परेचर है तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होता है। एंड जो एब्जॉर्प्शन है उसमें ज़्यादा इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं होता है, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग कि जो एब्जॉर्प्शन है ये बहुत ही बेसिक है कि ये फास्ट होता है थोड़ा सा, एंड दिस इज अ स्लो प्रोसेस, बट ऑलवेज करेक्ट नहीं है। एडजॉर्प्शन फास्ट है और एब्जॉर्प्शन स्लो है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं आप। इसमें मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर जगह, जैसे कि अमोनिया और मॉइस्चर यानी कि वाटर अगर ये एक साथ होते हैं तो दिस इज अ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये क्या आपका, सॉरी हाँ, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, NH3 प्लस वाटर एंड यू गेट न्यू कंपाउंड NH4OH, करेक्ट। दिस इज द एब्जॉर्प्शन। और इसी अमोनिया को आप चारकोल में ले जाएं तो ये प्रोसेस होता है आपका एडजॉर्प्शन, यानी कि चारकोल के सरफेस पे ये अमोनिया मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं इस तरीके से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली सब्सटेंस मिक्स हो जाता है, इसमें ओनली सरफेस पे। नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों, दैट इज डीजॉर्प्शन। अभी बिल्कुल सिंपल है। डीजॉर्प्शन मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द एडजॉर्बेंट। ये क्या होता है? द रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स, ठीक है, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस, करेक्ट। इट्स कॉल्ड डीजॉर्प्शन। वेरी सिंपल वर्ड है। और एक वर्ड और जो कि पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, व्हाट इज सॉर्प्शन, ये क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। तो जब सरफेस पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हों एक ही सब्सटेंस के सरफेस पे, तो उस फेनोमेना का नाम होता है सॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या मतलब इसका? व्हेन एडजॉर्प्शन एंड
एब्जॉर्प्शन बोथ हैपेंस इन द सरफेस ऑफ सॉलिड या इन द सरफेस. ओके, इसका एग्जाम्पल यह है कि अगर आप चौक, ठीक है, चौक को इंक में डिप करते हैं तो क्या होता है कि जो इंक के डिफरेंट कलर कंपोनेंट हैं, आपने इंक से डिफरेंट कलर को सेपरेट किया था थ्रू ए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन नाइन्थ स्टैंडर्ड. सो इसको जो डिफरेंट कलर हैं वो तो चौक के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि सोल्यूट जो इंक का है डिफरेंट कलर दे एब्जॉर्ब इन द सरफेस ऑफ चौक. ठीक है, दिस इज चौक, तो इसके सरफेस पे ये डिफरेंट कलर जो है वो इंक के आ जाते हैं. लेकिन जो सॉल्वेंट है, यानी कि इंक में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट होगा कलर कंपोनेंट, जो सॉल्वेंट है वो सरफेस में भी रहते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं वो सरफेस में भी रहते हैं और इनसाइड द सरफेस भी रहते हैं, इंटीरियर में भी चले जाते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं. तो इससे हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, करेक्ट. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है. तो अब हम पढ़ते हैं रीजन फॉर एडजॉर्प्शन, करेक्ट, रीजन फॉर एडजॉर्प्शन, या हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ये कैसे होता है. इसको समझने के लिए अगेन दिस इज द सब्सटेंस एट विच एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस. अब जो पार्टिकल्स इस सर्फेक्टेंट के या इस एडजॉर्बेंट के इंटीरियर में है, इसे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स अपने चारों तरफ हर पार्टिकल से इंटरेक्ट हो रहा है इस तरीके से, करेक्ट. सो इस पार्टिकल्स पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या है, जीरो है, ठीक है. लेकिन जो पार्टिकल्स इस सरफेस पे है यहां पर, तो इस सरफेस के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल इससे हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल से इससे हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल इससे हो रहा है, बट सरफेस में तो इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है. तो फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है. अब इससे क्या होगा कि ये पार्टिकल्स चाहता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ फोर्स. तो इस पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. क्यों ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है. इस एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी. सरफेस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है बिकॉज नेट फोर्स जीरो नहीं होता है. तो ये क्या करता है, अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ये नेचुरल बात है कि ये अपने सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के पार्टिकल घूम रहे हैं एटमोसफेयर में, उसको एडजॉर्ब कर लेता है, सो दैट की नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, करेक्ट. और ये पार्टिकल जो है वो आकर के यहाँ पे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए, एंड नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो. यानी कि सरफेस एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई बिकॉज जो नेट फोर्स है वो बैलेंस हो गया है, ठीक है. तो इस वजह से एडजॉर्प्शन होता है. तो इस बात को हम नोट कर सकते हैं
एडजॉर्प्शन किससे होता है? एडजॉर्प्शन अकर्स बिकॉज बिकॉज द पार्टिकल ऑन द सरफेस जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं बिकॉज पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड पार्टिकल इन द बल्क यानी कि इनसाइड है ना इन द बल्क में फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं होता है. ठीक है तो एब्जॉर्प्शन अकर्स बिकॉज द पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड द पार्टिकल इन द बल्क आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट यू कैन से हैव नॉट बैलेंस फोर्स आर नॉट इन in the same environment. Correct? पहली बात यह हो गई कि एडजॉर्प्शन इसलिए होता है कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं और जो पार्टिकल्स बल्क में हैं इनसाइड द सरफेस है वो सेम एनवायरनमेंट में नहीं है. आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल इनसाइड है वहाँ पर उसके चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट जो पार्टिकल सरफेस पे है वो केवल सरफेस से जो नीचे बल्क में पार्टिकल्स हैं उनसे अट्रैक्ट हो सकता है उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो नेट बैलेंस फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है. तो आई कैन से पार्टिकल पार्टिकल सरफेस में है द पार्टिकल ऑन द सरफेस हैज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट. सो एंड इन फाइनल कि एडजॉर्प्शन इस होता है ड्यू टू नेट इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस पार्टिकल्स. ठीक है सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो एडजॉर्प्शन होता है सो एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन takes place due to net inward pull of surface particles. ठीक है surface particles और इससे क्या होता है सो दैट की उसकी जो सरफेस एनर्जी है सो दैट सरफेस एनर्जी डिक्रीज ओके सो दैट की सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो सके. करेक्ट है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनामिक्स क्या होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट.
जब किसी भी प्रोसेस की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं सो हमें एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी पड़ती है, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एडजॉर्प्शन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जो सरफेस का पार्टिकल्स है, मैंने अभी क्या बताया कि जो सरफेस का पार्टिकल्स है उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, इसलिए क्या करता है वो सराउंडिंग के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको एडजॉर्ब करता है, जिससे कि उस पर नेट बैलेंस फोर्स जीरो होता है, तो जो कि अभी मैंने आपको बताया है। तो पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक पे हम एक बात नोट करेंगे कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, जो एडजॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है, ठीक है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोरोजन ऑफ आयरन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब देखो ध्यान से, अच्छा तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, उसे बोलते हैं हम लोग द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको और बेटर तरीके से बोल सकता हूं मैं कि जब एक मोल गैस, वन मोल गैस जब किसी सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है, ये वन मोल गैस जब इस सॉलिड के सरफेस में एडजॉर्ब हो जाती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एनर्जी रिलीज बाई एडजॉर्प्शन ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। एंड अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन से, एक चीज मुझे बताना कि ये सॉलिड का सरफेस है एंड दीज आर द गैस पार्टिकल्स, ठीक है। जब गैस के पार्टिकल इसमें आके स्टिक हो गए इस तरीके से, ये गैस के पार्टिकल स्टिक हो गए तो क्या हुआ? आपने एंट्रोपी वर्ड सुना है, एंट्रोपी क्या मेजर करता है? एंट्रोपी मेजर रैंडमनेस इन द सिस्टम या डिसऑर्डर इन एनी प्रोसेस। जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या डिसऑर्डर है, क्या रैंडमनेस है, वो इस एंट्रोपी को से मेजर करते हैं। तो अगर ये गैस के पार्टिकल्स इस सरफेस में स्टिक हो गए तो यानी कि इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रैंडमनेस कम हो गई, तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनेगा कि जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग एडजॉर्ब एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड, सो देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम या रैंडमनेस इज डिक्रीजेस। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस, यानी कि एंट्रोपी क्या है? बेसिकली निगेटिव है। और आपने ये सीखा है कि इस प्रोसेस का डेल्टा एच भी क्या है? निगेटिव है, करेक्ट। अब आते हैं इस इक्वेशन से, अगर इस इक्वेशन में एंट्रोपी निगेटिव है, ठीक है, एंड डेल्टा एच भी क्या होता है इस प्रोसेस का? नेगेटिव। एंट्रोपी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तो जब एंट्रोपी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। सो डेल्टा जी क्या आना चाहिए फिर? तो अभी आपने सीखा कि जो एडजॉर्प्शन है इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए फिर? नेगेटिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं, आपको ये भी पता है कि एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एंथैल्पी नेगेटिव मतलब होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव
देन इंट्रोपी, सो दैट डेल्टा जी क्या आ जाए, नेगेटिव। तो ये यहाँ पे नेगेटिव रखने के बाद ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये डेल्टा ज़्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज इंथैल्पी ड्रिवेन। इंथैल्पी की वजह से स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज इंथैल्पी इज मोर नेगेटिव देन एंट्रोपी, सो डेल्टा जी इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। सो इट इज इंथैल्पी ड्राइवन, इंथैल्पी की वजह से ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट। दिस इज द थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस। सो अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, बट यहाँ पर थर्मोडायनामिक ऑफ एडजॉर्प्शन में एक बात और याद रखना कि जो एडजॉर्प्शन है, एज द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज कॉन्टिन्यू देन डेल्टा एच बिकम लेस नेगेटिव। यू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर सरफेस पे सरफेस भरता जा रहा है, फुल होता जा रहा है, पार्टिकल एडजॉर्ब होते जा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट पार्टिकल के एडजॉर्ब होने की जगह कम है ना, तो फिर धीरे धीरे एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्लो होता जाएगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और एनर्जी जब कम रिलीज होगी तो यू नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि जब ये लेस निगेटिव होता जाएगा तो इसकी वैल्यू डेल्टा एस के टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगी, और जब बराबर हो जाएगी तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा हमारा, जीरो, एंड फिर क्या आ जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनिशियली जो डेल्टा एच होता है इज मोर निगेटिव देन टी डेल्टा एस, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी वैल्यू जब कम होगी, लेस निगेटिव होगी, तो इसके बराबर हो जाएगा क्वांटिटी, तो जितना ये टोटल निगेटिव है मिला के पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे निगेटिव है इक्वल टू जीरो आ गया, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो इट इज हाउ इक्विलिब्रियम अटेंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, सो नंबर वन है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो ए पॉइंट इसमें है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यह बात आपने केमिकल काइनेटिक्स में सीखी है कि सरफेस एरिया बढ़ता है तो कोलिजन ज़्यादा होंगे बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, तो ऑब्वियस सी बात है एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है इसी में कि जो
नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट का मतलब ये है कि इसे एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो SO2 को ज्यादा एडजॉर्ब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू O2। तो ये उसका नेचर है एक्टिवेटेड चारकोल का। और देखो तभी तो जो गैस मास्क होते हैं वो पॉल्यूटेड SO2 गैस को एडजॉर्ब कर लेते हैं और O2 को नहीं एडजॉर्ब करते हैं सो दैट कि हम ब्रीथ कर सकें। तो ये इसका नेचर है कि ये SO2 को एडजॉर्ब नहीं करता है, सॉरी ज़्यादा एडजॉर्ब करता है और O2 नहीं करता है, इसलिए O2 को हम ब्रीथ करते रहते हैं। करेक्ट। सो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस आर एडजॉर्ब्ड इन डिफरेंट एक्सटेंट बाय द सेम सॉलिड, है ना। क्या बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस आर एडजॉर्ब्ड इन डिफरेंट एक्सटेंट बाय सेम सॉलिड इन सेम सॉलिड। करेक्ट। अब आते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट के नेचर पे भी ये डिपेंड करता है। जो अभी हमने पॉइंट एक बनाया था वो इसमें भी हो सकता है कि डिफरेंट गैसेस की टेंडेंसी है एक ही सरफेस पे डिफरेंट क्वांटिटी में एडजॉर्ब होने की। अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये गैस है, दिस आल्सो गैस, निकल ले लो, PD ले लो, PT ले लो, यहाँ पर ये सॉलिड है। तो अब इस यहाँ पे मैं प्लेटिनम ले सकता हूँ या पैलेडियम ले सकता हूँ। ये रिएक्शन को क्या बोलते हम लोग, हाइड्रोजनेशन। सो H2 की PT के सरफेस में एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। एडजॉर्बेट समझते ना, जो सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो रहा है, अभी आपने सीखा है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ H2 हैज मोर टेंडेंसी टू एडजॉर्ब एट प्लेटिनम सरफेस देन Fe, मतलब H2 के अंदर प्लेटिनम सरफेस में एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा है Fe के रिस्पेक्ट में। तो ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट हो गया, ठीक है ना। एंड इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। थर्ड में है वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर में आपने जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है आपने। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। लिक्विफिकेशन में आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा है। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग TC से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो जब क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब है कि जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस वो भी क्या है, हाई है, ठीक है। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तभी देखो आप क्रिटिकल टेम्परेचर जो CO2 का है वो क्रिटिकल टेम्परेचर O2 से ज़्यादा होता है,
क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जो NH3 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस हैं वो CO2 से ज़्यादा हैं, और CO2 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस हैं वो O2 से ज़्यादा है। और तभी तो हम बोलते हैं कि जो NH3 का लिक्विफिकेशन है वो आसान है, यानी कि इसका लिक्विफिकेशन क्या है, ईजली लिक्विफाई, ठीक है, ये ईजली जो है वो लिक्विफाई हो जाता है, ये बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन जो है वो फिकेशन जो इसका वो ईजी है, करेक्ट, बिकॉज इट हैज ए स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो अब क्वेश्चन ये है कि सरफेस पे NH3 गैस और CO2 गैस और O2 गैस में कौन ईजली एडजॉर्ब होगा। तो आपको पता है कि इसके मॉलिक्यूल तो बहुत ईजली लिक्विफाई हो जाते हैं, तो लिक्विफाई हो जाते हैं तो ये सरफेस में ईजली स्टिक हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, और ये तो गैस के फॉर्म में है तो ये ईजली एक्युमुलेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया का जो एडजॉर्प्शन है वो ज़्यादा फास्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड CO2, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो दे कैन ईजली लिक्विफाई एंड ईजली स्टिक ऑन द सॉलिड सरफेस, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, एज द क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस या हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। सो आपको अगर सब्सटेंस के क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं तो आप उसमें एडजॉर्प्शन बता सकते हो, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको अमोनिया CO2 और O2 का, करेक्ट। अच्छा, जो एडजॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर पर भी इफेक्ट होता है, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, बस इसके नेक्स्ट टॉपिक यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल से है इस वजह से इसको हमें पहले एडजॉर्प्शन के नेम देना पड़ेगा, बिकॉज एडजॉर्प्शन जो है वो दो तरीके से होता है, केमिकल और फिजिकल एडजॉर्प्शन। उसके बाद में आपको टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट बताऊंगा एडजॉर्प्शन में। एंड नेक्स्ट ये है कि अगर आप सरफेस को रफ कर दें, ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो सॉलिड सरफेस है रफ करने से वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसमें एक्टिव साइट्स बढ़ जाती हैं और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो आपने क्या सीखा कि अगर हम सॉलिड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। एडजॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किसके सरफेस में ज़्यादा एडजॉर्ब होना चाहता है, एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट में कितने एक्टिव साइट्स हैं, कितना रफ है वो, एंड नेक्स्ट बात यह है कि इसे चारकोल का नेचर क्या है, सिलिका जेल का नेचर क्या है, एल्मुना जेल का नेचर क्या है, सभी के अलग अलग टेंडेंसी होती है किसी सब्सटेंस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करने की, करेक्ट। जैसे कि मैं एक बात कहूँ कि जो जैसे कि ये कंपाउंड है CaCl2, दिस इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो अगर ये इसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल आ जाए तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। वहीं पर अगर सिलिका जेल हो तो इस पे वाटर हो तो ये बन जाएगा एडजॉर्प्शन, और कभी कभी ये भी एडजॉर्बेंट की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना। अब चारकोल किस सब्सटेंस को ज़्यादा एडजॉर्ब करता है, किस सब्सटेंस को सिलिका जेल ज़्यादा एडजॉर्ब करते हैं, तो ये तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट हो गया। नाउ जैसे कि
अभी मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, एडजॉर्बेंट, और ये पार्टिकल्स क्या है हमारे, एडजॉर्बेट, जो कि सरफेस में आ रहे हैं, एडजॉर्बेट। तो जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर हम इसे दो नाम से बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स वीक है तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, क्या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से आप लोग।